सिंह साहब जी, एक बात बताइए, आपने गठबंधन की बात करी और गठबंधन जो है आज एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर और बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश में जिसको पूरी नजर रहती है पूरे देश की, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या लगता है जो गठबंधन की सरकार है कितनी मजबूत रहेगी और क्या समीकरण निकल कर आते हैं गठबंधन से, वो बताएं। गठबंधन में जो हमारा वोटर है जी, जो वोटर जब समझता है आपको तो उसके आधार पर भी वोट मतलब डालता है जी। हमारे नेता ने जो रणनीति बनाई है जी, तो उसके आधार पर मतलब ना समाज पूरा तैयार हुआ है और उन्होंने देख लिया है। 5 साल में भी वर्तमान में मतलब सरकार चली है बीजेपी की जी। आज मतलब उनकी 18 राज्यों में सरकारें हैं जी। तो वहाँ से भी लोग त्रस्त हैं जी। और उससे अभी बाई इलेक्शन भी हुए जी। तो बाई इलेक्शन में भी लोगों ने उस चीज़ का, चाहे वो आपकी फूलपुर की सीट हो, चाहे आपकी योगी जी की जो सीट थी गोरखपुर की सीट हो, चाहे इधर कराना की सीट हो, चाहे नगीना की, मतलब ये बाय इलेक्शन में लोगों ने इस बात को साबित किया है कि हम लोग पूरी ताकत से मतलब ना इस बार मतलब ना इस पार्टी को, जिसने आज देश के संविधान को मतलब खतरे में डालने का काम किया है, जिन्होंने जो वादे किए हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, तो अब लोगों ने नौकरी मांगी तो उन्हें कभी पकौड़े थे लोग, तो वो कहते हैं ये जो रेडी पटरी लगा ये भी तो नौकरी है, ये तो पहले भी कर रहे थे लोग, पकौड़े तो पहले भी लोग चल रहे थे, मगर तुमने जो वादा 2 करोड़ नौकरी का वो कहाँ है। तो इसलिए मतलब ना लोग इतने त्रस्त हैं, लोग इन्होंने वादा किया हम 15-15 लाख रुपए देंगे, मतलब विदेश से धन ले आएंगे और हम मतलब जो उसको आपके अकाउंट में 15-20 लाख रुपए जमा कर देंगे, ये इतने मतलब उन्होंने लोग मूर्ख बनाने काम किया। तो अब जनता देश की मूर्ख बनने वाली नहीं है, इसलिए जो गठजोड़ बना है और गठजोड़ के आधार पर, क्योंकि इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं, गठजोड़ बना है देश के संविधान को बचाने के लिए है और इस देश के अंदर जो अराजकता फैला रहे हैं जो मतलब जो पार्टियां, उसको खत्म करने के लिए ये मतलब गठबंधन हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो इधर अपना उत्तराखंड में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, तो उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो देखना कि मतलब ना लोग मतलब उस काम के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जो इन लोगों ने वादे खिलाफ ही किया, तो इस बार वो अपनी सरकार बनाने के मूड में है, तो वो आपको नजर आएगी।